भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। भीमराव, तुम तो पढ़े लिखे हो, समझाओ इन सबको कि न्याय क्या कहता है। क्यों अब डर लग रहा है कि थाने ले जाएंगे तो क्या होगा? लेकिन ये सही कह रहे हैं, यहाँ की पुलिस इन्हें गिरफ्तार करके नहीं ले जाएगी। सर, हम इन्हें यही हमारी चाल में ही रखेंगे। आप बस सयाजी महाराज तक यह संदेशा पहुंचा दीजिएगा कि उनके अधिकारी हमारी इस चाल में हैं। ये आप आसानी से कर सकते हैं। इन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया है, मैं सब आपको एक कागज पर लिख कर देता हूँ। वो कागज भी आप सयाजी महाराज तक पहुंचाइएगा। फिर उसके ऊपर उनका जो कुछ भी फैसला रहेगा वो मुझे मंजूर होगा। ओके, आई विल सी। भीम, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, अब तो उन्हें तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए। बाबा, हमारे साथ गलत हुआ है तो हमें न्याय मिलना चाहिए। हमदर्दी मिल सकती है, लेकिन उस हमदर्दी को अस्त्र बनाकर हम महाराज के फैसले को प्रभावित नहीं कर सकते। मैं इन्हें लिख कर देता हूं कि इन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया। बाबा, बाबा इतने दिनों से दिन गिन रहे थे कि कब अपनी जात में लौट के जाएंगे, और आज लौट के आए हैं तो खुशी नहीं है। और इस खुशी के अवसर पर ये दुख के भाव उस भीमराव के कारण आए हैं। हम चाहे जो भी कर ले, वो भीमराव हर बार जीत जाता है। अब समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या बच गया है जो कर ले तो वो भीम पराजित हो जाए। क्या बोलूं, आज मैं भी खुद को बड़ा हारा हुआ महसूस कर रहा हूं। इतनी कोशिशों के बावजूद हर बार हम बस हार ही तो रहे हैं, और उस भीमराव के जीत की दास्तान लिखी जा रही है। समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। ये सयाजी महाराज को दे दीजिएगा। धन्यवाद। आइए सर। और आप सब से कैसे धन्यवाद कहूं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। किसी व्यक्ति के लिए लड़ना ये एक आम बात है, लेकिन खुद को वो व्यक्ति समझकर रास्ते पे उतर कर लड़ना ये शायद आज पहली बार हुआ होगा। और इसीलिए ये भीमराव आप सभी भीमराव को दिल से धन्यवाद कहता है। हाँ भीमराव, आज से हम सबका यही मूल मंत्र रहेगा। हाँ भीम, हम जब भी परेशानी में आएंगे यही सोच कर लड़ेंगे कि हम सब भीम हैं। हम सब भीम हैं। बाबा ये लीजिए।
आप सबने भीम की मदद ही नहीं की, बल्कि मेरा बेटा जब बंदी था तो सड़क चलते उसके होने का एहसास दिलाया। जब मैंने भीम का नाम रखा था तो कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि सब लोग कहेंगे मैं भी भीम हूं, मैं भी भीम हूं, मैं भी भीम हूं। बात एक बाप के लिए बहुत गर्व की बात होती है। इसलिए आज एक बाप होने के नाते मैं आप सबका मुंह मीठा कराऊंगा, वो भी अपने हाथों से। बहुत बेटा बेटा कहते रहते हैं, लगता है थोड़ा और नाटक का स्तर बढ़ाना होगा। बेटे और बाप को दूर कर दूं और दो डब्बा मिठाई में अकेले खाऊं। हेलो बेटा। ये आप लीजिए। अच्छा भीमराव, अब हम सब चलते हैं और जाते वक्त तुम्हारे नाम के ही नारे लगाते जाएंगे। हम भी भीमराव हैं, 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 हम भी भीमराव हैं। हमें नहीं बनना भीमराव, हमें नहीं बनना है 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 भीमराव। ये उस नारे का उत्तर था। भीम बेटा, ज्यादा मत सोचो, बल्कि ये सोचकर खुश रहो कि तुम एक व्यक्ति से खींची गई एक लकीर बन गए हो, जिसके एक तरफ तुम्हारे समर्थक हैं, जो तुम में अपनी पहचान देखना चाहते हैं, और दूसरी तरफ ये लोग हैं जो अपनी पहचान तुम्हें छुटला कर दिखाना चाहते हैं, मगर दोनों में तुम्हारी पहचान है। और ये सौभाग्य बहुत
कम व्यक्ति के जीवन में आता है, बहुत कम व्यक्ति के नसीब में होता है। हमें नहीं बनना भीमराव, हमें नहीं बनना है 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 भीमराव, हम भी भीमराव है, हम भी भीमराव है, हम भी भीमराव है, हम भी भीमराव है, हम भी भीमराव है। रहने दीजिए ना आप, बहुत समय हो गया है उसे, ठीक हो जाएगा वो। ऐसे कैसे रहने दो, पति हूं ना तुम्हारा, चोट पे अगर मलहम नहीं लगाऊंगा तो संतोष नहीं मिलेगा, इसलिए लगाने दो, याद आगे करो। बहुत प्रेम करते हैं ना मुझसे, आगे से ना मेरे संघर्षों से जरा दूर रहा करो, बार बार ऐसी चोट लगेगी तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे। से कुछ कहना है, आप जब रास्ते से आ रहे थे तो आपको महिपाल, शिशुपाल और मेघनाथ मिले होंगे, तो जब आप उनसे बात करके गए तब मैंने भी उनसे कुछ कहा। अपनी जात में वापस जाने के बाद फिर से कोई नया प्रपंच मत रचिएगा, उनके रहते भी और उनके नहीं रहते भी, क्योंकि वो अगर कहीं पढ़ने के लिए या फिर काम करने के लिए चले जाएंगे तो मैं तो हुई। अब इसके बाद सोच लीजिए कि आपकी रमा आपसे, आपके संघर्षों से, इन दोनों से दूर नहीं रह सकती है, फिर चाहे मेरी जान रहे या ना रहे। और हाँ, मेरी बातों पर भावुक मत होइएगा, बल्कि मुझे वचन दीजिए कि जिस राजभवन में जाने से मुझे रोका गया, मुझे मारा गया, उस राजभवन में आप शान से जाएंगे, महाराज की आंखों से आंखें मिलाकर कहेंगे कि मेरी पत्नी और मेरे भैया आए थे मगर दोनों भी मार खाकर चले गए और यह गलत हुआ है। कहेंगे ना आप बड़ौदा के महाराज से? कहूंगा, कहूंगा बड़ौदा के महाराज से कि मेरी पत्नी और मेरे भैया को उनकी बात आप तक पहुंचाने से पहले ही रोका गया, और शायद उनसे पहले भी आपके यहां कई ऐसे लोग आए होंगे जो अपनी बात, अपनी फरियाद आप तक पहुंचाना चाह रहे होंगे लेकिन आपसे बात किए बिना चले गए होंगे। और महाराज, अगर आप अपनी व्यवस्था नहीं बदलेंगे तो आने वाले भविष्य में भी ऐसे कई सारे लोग आएंगे जो मार खाकर, धक्के खाकर, चोट लेकर आपके दरवाजे से वापस चले जाएंगे बिना अपनी बात कहे। जब आम आदमी की उम्मीदें मरने लगती है तब शासन व्यवस्था को ही कुछ करना चाहिए। सब कहूंगा सयाजी महाराज से, सब कहूंगा। Thank you.
खाना खा लीजिए, आप भूखे होंगे। ये खाना हमने घर से नहीं लाया है, खरीद कर लाया है और पत्तल में लाया है। हमने इस खाने को छुआ भी नहीं है। अगर आपके हिसाब से आपको लगता है कि ये खाना खाना चाहिए तो खा लीजिए। मैंने गलती कर दी महाराज, मुझे दंड देंगे। पहले मैं ऐसा नहीं था, जब बड़ा पद मिला तो मैं बिगड़ता चला गया और अपने पद का दुरुपयोग किया। कहते हैं ना, जब शक्ति मिलती है तो इंसान सब कुछ भूल जाता है। मैं भी संभाल नहीं पाया और भूल गया और ऐसी स्थिति में पहुंच गया। मंत्री जी, आपके आंसू आपके अपराध को खत्म तो नहीं कर देंगे ना? फिलहाल आप खाना खा लीजिए, अब सो होगा सो होगा। तो खुश तो बहुत हो गए होगे आजा। औलाद लौट के आए तो खुशी तो होती होगी ना? कहिए ना, खुश है कि नहीं? खुश हूं, बहुत खुश। मगर इस खुशी का एहसास मैंने कभी नहीं किया, सिर्फ आपके कारण, क्योंकि मैं कभी मां नहीं बन पाई, सिर्फ आपके कारण। जब महाराज को खत मिलेगा तो पता नहीं क्या सोचेंगे, क्या फैसला करेंगे। ये सोचकर मैं परेशान हो रहा हूं और तुम्हें बच्चा और नौटंकी सोच रही है। नौटंकी नहीं कहते इसे, प्रेम कहते हैं, जो मुझे कभी मिला ही नहीं और वही सब जरूरी है मेरे लिए। इसलिए यही बातें करती हूं और यही बातें करती रहूंगी। तो करती रहो, मैं बाहर जाता हूं। ऐसे कैसे जाएंगे आप? पहले मेरी बात तो सुनिए। सुनाओ। नई नई शादी हुई है हमारी, कुछ दिनों के लिए दोनों कहीं घूमने चलते हैं। बेकार की बातें मत करो। अच्छा लगेगा, नहीं नहीं शादी के बाद दोनों अकेले में रहेंगे। मेरा हाथ छोड़ दो। हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है, हम वहां जाकर ना भेल खाएंगे। आप मुझे भेल खिलाना, मैं आपको भेल खिलाऊंगी। आप अपनी फौज वाली कहानियां सुनाइएगा, मैं भी आपको सुनाऊंगी। जवानी में मुझे क्या क्या पसंद था, मेरी कौन सी पसंद दफन हो गई है, सब सुनाऊंगी। जीजा भाई, मेरा हाथ छोड़ दो। छोड़ा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो जो कह रही हूं सब पूरा करूंगी। चाहिए 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 ना? नहीं जा पा रहे ना? पानी लेके आइए, गला सूख रहा है मेरा। जाइए 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 जाइए।
दीजिए दीजिए, जल्दी पानी दीजिए। दीजिए दीजिए दीजिए।